प्राचार्य आर पी गुप्ता, स्काईरिच एजुकेशन हायर सेकेंडरी स्कूल उदयपुर। हमारे विद्यालय यहाँ निश्चित रूप से प्रकृति के सुंदर वातावरण के बीच स्थित है और यहाँ ग्रामीण अंचलों से आने वाले विद्यार्थी अधिकतर स्टूडेंट आते हैं और यहाँ पर शिक्षा अध्ययन करते हैं। हमारा विद्यालय इंग्लिश मीडियम के साथ साथ हम लोग गुरुकुल पद्धति यानी भारतीय संस्कृति के आधारभूत बिंदुओं को लेकर के छात्र छात्राओं में स्टूडेंट में एक अच्छी संस्कृति के प्रति एक अच्छा रुझान हो, अपने माता पिता, अपने धर्म, अपने समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति उनमें एक भक्ति भाव से ओतप्रोत हो, ऐसी शिक्षा भी हम अपने विद्यालय में स्टूडेंट को देते हैं। यही कारण है कि इस वर्ष क्लास टेंथ और क्लास ट्वेल्थ का रिजल्ट इन सब कार्य के साथ साथ पढ़ाई में भी हमारे यहाँ पर जो सभी शिक्षक अपने अपने विषय के आधार पर विद्यार्थियों को विषय को उनके हृदयांग कराते हुए अच्छे ज्ञान के साथ साथ अन्य गतिविधि में भी हमारे विद्यार्थी आगे रहें, उनमें नेतृत्व क्षमता का विकास हो, और इसलिए विद्यार्थियों ने इस वर्ष बहुत अच्छा इस ग्रामीण अंचल का जो स्काईरिच एजुकेशन हायर सेकेंडरी स्कूल है, विद्यार्थियों ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया जिससे ग्राम में और आसपास क्षेत्र में इस विद्यालय की काफ़ी प्रशंसा हो रही है और काफ़ी हमारे जो शुभचिंतक के विद्यालय के उनके फ़ोन भी आ रहे हैं, वो बार बार बधाइयाँ भी दे रहे हैं। हम उपस्थित हैं विकासखंड उदयपुर के अंतर्गत आने वाले 106 ग्राम के प्रमुख ग्राम पंचायत उदयपुर के स्काईरिच एजुकेशन सेंटर उदयपुर में। बच्चों का परीक्षा फल घोषित किए जा चुके हैं। बचपन प्ले स्कूल के साथ ही के जीवन से लेकर के 12वीं कक्षा तक परीक्षा परिणाम घोषित हो चुके हैं। इस समय हम प्राचार्य कक्ष स्काईरिच एजुकेशन सेंटर उदयपुर में उपस्थित हैं। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि कुछ पेरेंट्स हैं और कुछ ऐसे प्रतिभाशाली मेघावी छात्र हैं जिन्होंने 90% से ऊपर अंक प्राप्त कर न सिर्फ अपना अपितु माता पिता के साथ विद्यालय का नाम रोशन किया है। विद्यालय स्काईरिच एजुकेशन सेंटर के डायरेक्टर श्री एस सी गुप्ता जी इस समय हमारे समक्ष प्रतीत हो रहे हैं। अगले टेबल में विराजमान हैं इस विद्यालय के प्राचार्य महोदय श्री आर पी गुप्ता जी। आपके सफल नेतृत्व से बच्चों में इस तरह की अंक प्राप्त हुआ है, ये न सिर्फ इनके लिए ही नहीं अपितु बच्चों के साथ साथ विकासखंड उदयपुर के लिए काफ़ी गौरव का विषय है। आइए जानते हैं हाईएस्ट नंबर प्राप्त की एक छात्रा से, आपका नाम बताइए। मेरा नाम निर्मला पैकरा है। मेरे पिताजी का नाम श्री ईश्वर प्रसाद पैकरा है। मेरी माता का नाम श्रीमती नीरावती पैकरा है। मैं ग्राम बिशुनपुर में रहती हूँ। मैं स्काईरिच एजुकेशन हायर सेकेंडरी स्कूल की 10वीं कक्षा की छात्रा हूँ। मैंने इस वर्ष 92% अंक प्राप्त किए हैं। इसका श्रेय मैं डायरेक्टर सर श्री आर श्यामा चरण सर जी को देना चाहती हूँ। 92% पाकर मैं बहुत खुश हूँ। इसका श्रेय मैं अपने माता पिता, सभी टीचर्स, अपने प्रिंसिपल श्री आरपी गुप्ता सर जी को देना चाहती हूँ। भविष्य में मैं टीचर बनना चाहती हूँ। भविष्य में आपकी समय हम विकासखंड उदयपुर के अंतर्गत आने वाले प्रतिष्ठित विद्यालय स्काईरिच एजुकेशन सेंटर उदयपुर में मौजूद हैं और इस समय पहली कक्षा से लेकर के 12वीं क्लास के सभी रिजल्ट घोषित किए जा चुके हैं। कुछ ऐसे प्रतिभागी हैं जो न सिर्फ अपना नाम नहीं अपितु
विद्यालय का नाम गौरवान्वित किया है 100% अंकों के साथ। ऐसे विद्यार्थी जो अपने समय का दुरुपयोग करते हुए उनके इच्छा के अनुरूप अंक प्राप्त नहीं कर पाते हैं, ऐसे लोगों के लिए कुछ यहाँ पे ऐसे स्टूडेंट हैं प्रतिभागी जिनका इस समय हम चित्र देख पा रहे हैं। 90 से ऊपर अंक प्राप्त कर अपना विद्यालय का, स्वयं का, अपने माता पिता का एवं विकास खंड उदयपुर का नाम रोशन किया है। निश्चित रूप से ये बच्चे धन्यवाद के पात्र हैं। इसी क्रम में आइए जानते हैं स्कैरिज एजुकेशन सेंटर उदयपुर के डायरेक्टर श्री एस सी गुप्ता जी इस संबंध में क्या जानकारी देते हैं। मेरा नाम श्यामाचरण गुप्ता है और मैं स्कैरिज एजुकेशन हायर सेकेंडरी स्कूल का प्रबंधक हूँ। स्कूल में आज के दिन कक्षा 12वीं और कक्षा 10वीं के जो बच्चे टॉप आए हैं उनके साथ हम लोगों की आज बैठक है। मैं आज के दिन बच्चों को आभार प्रकट करते हुए बड़ा गर्वान्वित महसूस कर रहा हूँ कि कुमारी निर्मला पैकरा ये स्कूल की ऐसी छात्रा है जो विपरीत परिस्थिति में 93% नंबर अंक प्राप्त की है और सुदूर अंचल से आती है। विपरीत परिस्थितियों में इन्होंने बहुत अच्छा अंक प्राप्त किया है। इसी तरह से कुमारी ज्योति ये कक्षा 12वीं की ये भी छात्रा है जो है 82.6% अर्जित की है। 12वीं की एग्रीकल्चर संकाय से हाईएस्ट जो बच्चा लाया है वो 76% का है। 10th के जो बच्चे हैं 10th के बच्चे में मुस्कान 87% है और अभी से 85% लाया है। बच्चों ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है और सभी का फर्स्ट डिवीजन है और हमारे स्कूल का जो रिजल्ट है वो 100% है। तो आज के दिन एक सोशल मीडिया के रूप में आपको भी यहाँ पधारने का और हम लोग के बीच हमारी बातों